अभी हम पहुंचे हैं राजेंद्र अमृत श्री नान वालों के चौक पर, वैशाली नगर जयपुर। अमृत श्री नान वालों की चौक है वैशाली नगर जयपुर में, वहीं का भी हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, वैशाली नगर जयपुर, वहीं पर अभी हम हैं राजू अमृत श्री नान वालों की चौक पर, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। गाइज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। उनके द्वारा तैयार की हुई नान, सब्जी वगैरह, अचार, सलाद, लहसुन की चटनी वगैरह का टेस्ट देखना, क्या शानदार है। ये देखिए हरे धनिए की कटिंग हो रही है, देखिए कितने शानदार तरीके से धनिए की धुलाई हो रही है, साफ सफाई का कितना विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए हरा धनिया तैयार कर रहे हैं। अरे भैया गाने बंद कर दे रहे एक बार गुरु जी। गाने बज रहे हैं क्या? साउंड कहाँ से आ रहा है? चलो बजने दो। ये देखिए एक मिनट अपनी इधर 3 बजे का समय है दोपहर का, तंदूरी नान का जायके का आनंद लेते हुए। ये देखिए ये मसाला वगैरह तैयार किया जा रहा है, कस्तूरी मेथी डाली है, लाल मिर्ची डाली है। भैया नमस्कार, आपका शुभ नाम? आप कब से आ रहे हो इनकी नान की शॉप पर? पहली बार आए हो या पहले भी आए हो? पहली बार आए हो, आपने टेस्ट किया है इनके द्वारा तैयार की हुई सब्जी नान वगैरह का, टेस्ट आपको कैसा लगा, रायता वगैरह? बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। इधर से जब भी जाना होता है मार्केटिंग का जो है, मैं यहाँ लंच वगैरह यहीं करके जाता हूं। तो आप पहली बार नहीं, पहले भी आए हुए हो? ये देखिए ये मसाला तैयार हो रहा है नान के लिए। ये देखिए बिल्कुल आलू नान के लिए मसाला बनके एकदम तैयार है, क्या शानदार मसाला तैयार हुआ है। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? मुकेश जी कब से आ रहे हो इनकी शॉप पर आप ये आलू की नान वगैरह? हम भी पास में रहते हैं, जब भी आते हैं खाते रहते हैं। टेस्ट कैसा, थोड़ा सा देखने वालों को बताइए कि इनका, राजू जी की ये शॉप है यहाँ वैशाली नगर जयपुर में, अमृतसरी नान, आलू छोले की सब्जी है, लहसुन की चटनी है, हरी चटनी है, सलाद वगैरह है और देसी रायता है राजस्थानी। नमस्कार भैया, आपका नाम? यादव जी कब से आ रहे हो इनकी शॉप पर आप? 3-4 साल से आ रहे हो। कैसा टेस्ट मिल रहा है इनके द्वारा तैयार की हुई आलू की नान है, सब्जी वगैरह है, अचार है, रायता है? बहुत अच्छा है। ये देखिए ये नान काटा है, नान तैयार करने के लिए पेड़ी बनाई जा रही है, और ये देखिए रायता पैक किया जा रहा है। स्पीड देखिए राजू जी की कितनी तगड़ी है, फटाफट पेड़ी बनाई जा रही है और अब इन पे तेल लगाया जा रहा है, मैदा लगाई गई है और अब इनमें ये देखिए जो मसाला वो मसाला डाला जा रहा है और नान तैयार की जाएगी। बेलते नहीं है, हाथ से ही तैयार करके बनाते हैं, ये एक विशेषता है।
ये देखिए आलू की नान तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी उनमें मसाला भरा जा रहा है पेड़ियों में। भैया नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह जी, जो राजू जी की वैशाली नगर जयपुर में अमृतसरी नान की शॉप है, इस पे कब से आप आ रहे हो? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इनके द्वारा तैयार की हुई नान, सब्जी वगैरह, सलाद है, हरी मिर्ची का अचार है, लहसुन की चटनी है और राजस्थानी छाछ का रायता है, उनका टेस्ट आपको कैसा लगता है? बहुत शानदार है सर। तो जो भी वीडियो देखकर आना चाहे उनको यहाँ का एड्रेस वगैरह थोड़ा सा बताइए आप। वैशाली नगर है, विजय द्वार रोड पे है। विजय द्वार रोड पर है। वैशाली नगर। ये देखिए ये प्लेट बिल्कुल तैयार है, अब इसमें नान तैयार होगी, नान ली जाएगी। ये 2 सब्जियां हैं, हरी मिर्ची का अचार है, चटनी है और सलाद है। भैया क्या नाम है आपका? पहले भी आए हो या पहली बार आ गए? रेगुलर कस्टमर हो। ये जो अमृतसरी नान वाले हैं, इनके यहाँ का टेस्ट आपको कैसा लगता है? भी तो एक प्लेट का क्या चार्ज लेते हैं आप? 60 रुपये और रायते के अलग से लेते हो? 60 रुपये में रायता भी इंक्लूड है। ये देखिए जयपुर जैसे वैशाली नगर में 60 रुपये में आपको अमृतसरी नान, 2 सब्जियां, अचार, हरी मिर्ची, सलाद और देसी छाछ का रायता। तो देखिए भरपेट 60 रुपये में आपका खाना हो जाएगा। एक नान का वजन कम से कम 250 ग्राम है। ये देखिए तंदूर में नान लगाई जा रही है। ये देखिए नान सेकी जा रही है तंदूर में। ये देखिए क्या शानदार तरीके से सिकाई हो रही है आलू की नान की। चाय है कि क्या ये भी ठंडा हो गया आपका? लेकिन टाइम नहीं मिला, चाय भी मंगाई थी पीने के लिए राजू जी ने, वो भी ठंडा हो गया है। ये मोबाइल कौन बजा रहा है? अरे बंद करो, मैं कब से कह रहा हूँ वीडियो बोला, मैंने बोला था तुम आती। ये देखिए ये नान, नान आलू की नान की सिकाई हो रही है तंदूर में और बहुत ही शानदार नान तैयार होंगी। खैर अमूल बटर के साथ चौपड़ कर इन नान को कस्टमर को खाने के लिए सप्लाई की जाती है। ये देखिए नान सिक रही है, बहुत शानदार सिकाई होगी। ये कम आंच पर होती है या तेज आंच पर सिकाई? दोनों पे हो जाती है। दोनों पे अभी तो कम है ना, ज़्यादा होगी तो जल्दी हो जाती है, कम होती है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कम आंच में ज़्यादा सिकाई अच्छी होगी। मसाला खत्म हो गया इसलिए मसाला, मसाला खत्म हो गया था इसलिए मसाला दोबारा तैयार किया। मुझे क्या करना है? 2 प्लेट और क्या है? बस 2 प्लेट। ये देखिए ये नान सीखकर बाहर आ गए हैं, क्या शानदार है। लेकिन इन्होंने बटर नहीं लगवाया नान पे, बगैर बटर के ही खा रहे हैं। ये देखिए बटर लगाकर नान दी गई है, कितनी शानदार नान तैयार हुई है। ये देखिए बटर कितना लगा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना। वैशाली नगर विजय द्वार से पहले राजू जी अमृतसरी नान वालों की शॉप है, उनके यहाँ तैयार की हुई आलू की नान और सब्जी, रायता, सलाद, लहसुन की चटनी, हरी मिर्ची के अचार का जायका आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ये देखिए ये तंदूरी नान सीखकर तैयार है और अमूल बटर से पूरी मात्रा में अमूल बटर लगाया जा रहा है, कोई कंजूसी नहीं की जा रही है।
ये दो प्लेट नान तैयार हो गई है, पैक की जा रही है। और पैकिंग का सिस्टम भी देखिए कितना साफ सुथरा है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमने शुरू में आपको दिखाया कि हरा धनिया को किस तरीके से साफ करके और धुलाई करके ही कटिंग करके काम में लिया जा रहा है। ये देखिए क्या शानदार आलू की तंदूरी नान सिक्के से तैयार हुई हैं। साइज देखिए कम से कम 300 ग्राम वजन एक नान का है। ये दाल है, ये इनकी पैकिंग करने का देखिए शानदार तरीका है। ये देखिए पैक होकर बिल्कुल तैयार है।